हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो सीन कुछ इस तरह की हैं कि आज हम अपना यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कॉलेज क्वेटा में। हमारा आज ट्रिप जा रहा है पीर गैब। हमारी बस माशाल्लाह आ चुकी है, देख सकते हैं आप लोग पीछे, ये हमारी बस आ चुकी है। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से पीर गैब की तरफ। बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि क्या सीन है वहाँ पर। पीर गैब बलूचिस्तान का एक बहुत ही अच्छा पिकनिक पॉइंट है। तकरीबन पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। रास्ते में चेकिंग हो रही है, एंट्री हो रही है यहाँ पर, चेक पोस्ट भी है लेडीज की। तो सफ़र हमारा अलहमदिल्ला बहुत अच्छा जा रहा है। थोड़ी गर्मी भी है यार यहाँ पर, थोड़ी ठंडी हवा तो नहीं चल रही है सर, थोड़ी गर्म हवा है और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ। सफ़र हमारा बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। यहाँ पर चारों तरफ ब्राउन कलर के पहाड़ हैं, मतलब कि इतना खास सब्ज़ा नहीं है। ये तकरीबन बोलन से, हम दराए बोलन से इंटर हो चुके हैं, थोड़ा आगे आ चुके हैं। और हमारे साथ समीम भाई, कैसे एंजॉय कर रहे हैं जनाब आपने? यार ज़बरदस्त, बहुत अच्छे हैं, हम लोगों ने इंजॉय किया अभी तक। तो अभी जो है इंटर हो रहे हैं, ये फिर गए बोलन में। इंशाल्लाह ये भी और यहाँ पर रोका हुआ यार, तो है यार। ये देखो सबसे ज़रूरी बात मैं अभी बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है ना लॉ कॉलेज से आए हुए, और सबसे पहले एक पिकनिक पॉइंट, इसमें चाहे वो किसी भी जो है ना तबके से हो, चाहे वो पठान हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, उसको रोकना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये है कि हम लोग उसके साथ परसेंट है जो हमारे क्लासमेट्स है, उसको रखा हुआ है, उसको हमसे भी मजम्मत करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल स्टेट के जो कानून है उसके अगेंस्ट है। ये जो भी कर रहे हैं, चाहे जो भी हो, उसको मतलब हम लोगों का रिक्वेस्ट है, जो यहाँ का इंतजामिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसके हाथ में, वो चाहे ए सी हो, डी सी हो, उसको इस चीज़ के जो है ना स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपने राइट मिलने चाहिए। ये जो है ना फ्रीडम ऑफ राइट, उसको राइट जो है ना लोगों को जो इन्फ्रेंच कर रहे हैं, उसको राइट को ये लोग मतलब नहीं दे रहे जैसे। चलें बस अनिल भाई से कुछ गुफ्तगू यहाँ पर। हम अभी पीर गैब, ये इधर बोर्ड लगा हुआ, यहाँ सेंटर हो रहे हैं दर है बोलन से, आगे तकरीबन हम पीर गैब पहुँचने वाले हैं, तकरीबन 15 मिनट का सफर बाकी है। अच्छा तो गाइज, हम लोग पीर गैब की तरफ जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी का कुछ इश्यूज़ थे। जिसकी बीबी नानी की मज़ार पर, वहाँ पर भी हम लोगों ने थोड़ा इन्जॉय किया, नहाया, मतलब वहाँ पर हमने खाना खाया था। खाना खाने के बाद फिर हम उधर से निकले, यहाँ खजूरी पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारा दोस्त नहा रहे हैं, देख सकते हैं आप मेरे पीछे, सारे दोस्त अपना इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत ज़बरदस्त डेक लाया हुआ है, किसी ने लड्डो लाया हुई है, वॉलीबॉल लाया हुआ, मतलब जो हर तरीके से यहाँ पर इन्जॉयमेंट कर रहे हैं ये लोग। माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ पर। दिन के तकरीबन 4 बज रहे हैं, गर्मी इंतहा की गर्मी है यहाँ पर आज। हवा जिस तरह लू नहीं चलती, इसी तरह हवा आ रही है। तो खैर, हम लोग इन्जॉय करते हैं, थोड़ा नहाते हैं। आप कैसे फील कर रहे हैं जनाब? आई एम आल्सो एंजॉयिंग हियर। व्हाट आर यू एंजॉयिंग? व्हाट इज द मेजर थिंग? इट्स माय फर्स्ट टाइम आई हैव कम हियर फॉर दिस। इट्स दिस फर्स्ट टाइम गॉट इट। आई हैव कम बट इन माय ड्रीम, नॉट इन रियलिटी। आई हैव नेवर एंजॉयड लाइक दिस। ओके। सफ़र की वजह से थोड़ी थकावट हो गई थी, तो खैर हम लोगों ने अपना उस थकावट को ख़त्म करने के लिए पानी में हम सब कूद गए। वहाँ पर हम लोग नहाए अच्छी तरह, तो जैसे हम लोग पानी से निकले तो उस वक्त तक ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी यहाँ से बनवा कर ले गए थे।
بریانی پلس روسٹ یہ سارا ہمارا دسترخوان لگ چکا تھا. تو ہم لوگ جیسے ہی پانی سے نکلے تو ہم لوگ دسترخوان پر ٹوٹ گئے سارے. کھانا کھانے کے بعد ہم دنیا اور جان کے سارے غم بھول گئے اور ہم نے اپنا رقص سٹارٹ کر دیا. کسی نے بلوچی کلچر کے مطابق رقص کیا, کسی نے پشتون کلچر کے مطابق رقص کیا, تو ہر کسی نے اپنے کلچرل شوز کے مطابق بہت سارے رقص کیے. بہت ہی مزہ آیا. اچھا تو گائز ہم لوگوں نے اپنا آج کا ٹرپ انجوائے کیا بہت. ہم لوگ جا رہے تھے پیر غیب کی طرف. ہم لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پیر غیب کی طرف ہم لوگ نہیں جا سکے سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے. خیر ہم لوگ پھر مطلب وہاں پر بی بی نانی کا مزار ہے وہاں پر ہم لوگ گئے. ادھر بھی ہم لوگوں نے اچھا خاصا انجوائے کیا. اس کے بعد مطلب وہاں پر کھانا شانا کھایا. اس کے بعد ہم لوگ کھجوری گئے. وہاں پر بھی مطلب بڑا اچھا مطلب چشمہ تھا. بڑا زبردست انجوائے کیا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. تو یہ ہمارا آج کا ولاگ ہوگا. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگر ولاگ پسند آیا تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اگلے ولاگ میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.